आखिरी सांस तक नहीं होगी जब हमेशा सोचता हूं अब इनकी भूख खत्म हो जाएगी। ये जो अभी आगे वाले बैठे हैं ब्रांड नंबर आया ना असम नारी है, आज आप यहां पर आए कितने 1000 लोग बैठे हैं, 1000 से ऊपर लोग हैं, सबकी फ्लाइट थी, सबको बुलाया, होटल्स कराए, क्यों? आपका विजन देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि लग्जरी क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। आपको लगता है लाख रुपए कमा रहा हूं बहुत है, 2 लाख कमा रहा हूं बहुत है, 3 लाख कमा रहा हूं बहुत है, 4 लाख, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत नहीं है, भूख, ये भूख है ना आपकी, जब तक ये नहीं बढ़ेगी धंधा नहीं बढ़ेगा। मैं पास सर कितने बता ले, मैं 40 करोड़ कमाता हूँ, वो उनकी टेस्टिमनी आपकी नहीं है। शिव कुमार आगे बता दे मैंने 42 करोड़ कमा लिया, उसकी टेस्टिमनी आपकी नहीं है, वो उसकी भूख थी उसने कमा ली, आपकी भूख कितनी? आपकी सफलता आपकी भूख पर निर्धारित है, आपकी भूख पे आधारित है ना, इन प्रोडक्ट पे आधारित है ना, इस प्लान पे आधारित है ना, कंपनी पे आधारित है, आपकी भूख कितनी है? अब आपकी भूख लाख रुपए महीने की है, मिल गए तो आप खुश हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए, चलो मैं छोड़ दूं। आपकी भूख 2 लाख की है और मैं क्या कर रहा हूं, जिस दिन से आया हूं आपकी भूख बढ़ाता जा रहा हूं, हमेशा सोचता हूं अब इनकी भूख खत्म हो जाएगी। ये जो अभी आगे वाले बैठे हैं ब्रांड एम्बेसडर पे, तो फिर यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर दे दूंगा 25 करोड़ का और भूखे, समझे? ये काम मैं आज तक करता आ रहा हूं, फिर बोला मैंने अगर ये 25 करोड़ या 50, भूख ये अपनी अपनी भूख होती है, आपकी दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपकी लाइफ, आप मेहनती हो, कर्मशील हो, कर्मठ हो, काम करके आ चुके हो, या बैठा तकरीबन आदमी या तो अबू धाबी अचीवर है या सफायर अनुभव है या डायमंड अनुभव है, हाँ है ना, लेकिन भूख कितनी है आपकी? भूख आपकी खत्म हो गई? मेरी भूख खत्म नहीं हुई बस, और ना कभी होगी, और आखिरी सांस तक नहीं होगी। जब तक इस पृथ्वी पे मेरा जीवन है तब तक मेरी भूख खत्म नहीं होगी, क्योंकि अगर मेरी भूख खत्म हो गई, अगर मेरी भूख खत्म हो गई ना, तो आप लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और यही इस देश में आज तक हुआ है कि लोग आए तो अपनी भूख लेके आए, अपना लालच लेके आए, अपना मतलब लेके आए, अपना मकसद लेके आए, एसलीपीएस ना अपना लालच लेके आई, ना मतलब लेके आई, ना मकसद लेके आई, एसलीपीएस आप सबके लिए आई। आप लीडर हो, डायमंड है यहां पर, हाथ खड़ा करो, हो ब्लू डायमंड है, हाथ खड़ा करो, आप लीडर हो यहां पर, इस आबू धाबी में आए हो तो कुछ मैसेज लेके जाना, यहां लाने का कारण है ये करोड़ों रुपए की एनिवर्सरी बनाने का एक ही कारण है, आपकी भूख बढ़ानी है। आपको दिखानी थी बिल्डिंग्स, आपको दिखाने थे होटल्स, एमबीएस आपको दिखानी थी, हर दूसरी रोल्स रॉयस, तीसरी लंबोर्गिनी, कैसी कैसी कारें लेकर पूरी दुबई में लोग घूम रहे हैं, आपको दिखानी थी एक लग्जरी क्या होती है, आपको दिखाना था जहां आप खुश हो रहे हो ना, एक छोटी सी कार लेकर छोटा सा घर बना के, आपका विजन बढ़ाने के लिए मैं आज तक एक ही काम करता हूं, मैं कितना ही मेरा खर्चा हो जाए पर मैं ये सोचता हूं कि मेरे लीडर का विजन बढ़ा दूं, उसकी भूख बढ़ा दूं, क्योंकि तुम लीडर हो, अगर तुम्हारी भूख मर गई ना तो तुम्हारी टीमें भूखी मर जाएंगी, तुम्हारी भूख बढ़ गई तो तुम्हारी टीमें तर जाएंगी। भूख बढ़ाओ, और क्यों नहीं बढ़ाते भूख? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं, 50 लाख क्यों नहीं, 4 ID पे कैंपिंग क्यों नहीं, 5 पे कैंपिंग क्यों नहीं, 6 पे कैंपिंग क्यों नहीं, कोई रोकता भूख बढ़ाने को? और जो इंसान सोचता है वो होता है, यहां तक भी तभी पहुंचे जो सोचा था ना, यहां तक भी नहीं पहुंचते अगर सोचते नहीं तो, और जब इंसान सोचता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद अपने आप मिलने लग जाता है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या, मिडिल क्लास, आपको 2 लाख मिल गए बड़े खुश हो, 1.5 लाख मिल गए बड़े खुश हो, अपलाइन फोन कर रहा है आज मेरे पास, ने एक बड़ी गजब की बात की, मैं तो उसमें फैन हो गया उस बात में, कि आज तक मेरी काउंसलिंग किसी ने नहीं करी, आज तक मैं नेगेटिव नहीं हुआ, मैं इनका अपलाइन हूं सही पूछो तो, और हकीकत में मेरे को इन्होंने मौका नहीं दिया काउंसलिंग करने का। सही बात है यार, बंदे की अपनी भूख होगी, अपने सपने होंगे, अपना विजन होगा, अपनी चाहते होंगी, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सही करने का अगर दृढ़ संकल्प होगा तो उसको किसी के मोटिवेशन और किसी की काउंसलिंग की जरूरत नहीं, आया ना बात सही है या गलत है? भूख बढ़ाओ, अबू धाबी में आयो भूख बढ़ाओ, ये वाली नहीं जो 11 बजे खाना मिलेगा 11:30 वो वाली नहीं, नोटों की भूख बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ। किसी ने कहा है रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, रुको मत, भागो, दौड़ो, एक आईडी कैंपिंग पे तो दूसरी,
7.5 लाख की कैबिन तक पहुंचाओ अपनी आईडी को, फिर दूसरे को 7.5 लाख पहुंचाओ, फिर तीसरे को पहुंचाओ, फिर चौथी को पहुंचाओ, फिर पांचवी को पहुंचाओ, फिर छठी को पहुंचाओ, जब तक आखिरी सांस है तब तक जंग जारी रखो भाई साहब। लड़ा के कहे जाओगे अपने खानदान में, लड़ा के कि एक लड़का पैदा हुआ था जिसने खानदान की तासीर और तस्वीर सब बदल के चला गया। यहां पर सिर्फ हम दौलत कमाने नहीं आए इस मनुष्य जन्म में, दौलत साथ लेके नहीं जाते, लेकिन हम कुछ ऐसा लेके जाते हैं जो हर आदमी का सपना होता है। मैं अभी एक दिन एक न्यूज चल रही थी कि कोई लड़की है वो मार्स पे जा रही है 2029 में और फिर कभी लौट के नहीं आएगी। मतलब मैं उसको देख के इतना इंप्रेस हुआ कि यार ये क्या न्यूज है कि 2029 में कोई लड़की मार्स पे जा रही है और कभी लौट के नहीं आएगी, इसलिए कि वो अमर होना चाहती है। वो चाहती है कि जब तक ये दुनिया रहे, कौन लड़की मार्स पे गई थी उसका नाम अमर हो जाए। मुझे लगा यार क्या बात है, लोग जान देने को तैयार है अमर होने के लिए। अरे मेहनत तो बहुत छोटी सी चीज है यार, तो बहुत छोटी सी चीज है, नींद भूख प्यास तो बहुत छोटी सी चीज है, लोग तो जान देने को तैयार है अमर होने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आर्थिक रूप से जो भी व्यक्ति अपने परिवार को समर्थ करता है वो उस पीढ़ी में, उस गांव में, उस शहर में, उस खानदान में रियली अमर हो जाता है। इसलिए हम ये सब काम करते, ऐसा नहीं हम दिखावा करते, दिखावे के भी पैसे लगते। ऐसा नहीं कि हम बिना मतलब आपको अबू धाबी ले जाते हैं, बिना मतलब थाईलैंड ले जाते हैं, बिना मतलब कह देते हैं अगली यूनिवर्सिटी मलेशिया होगी, फिर भूख बढ़ा दी आपकी। उन्नीसवा रैंक खुलेगा भूख बढ़ा दी आपकी, 20वां रैंक खुलेगा भूख बढ़ा दी आपकी, रोज रोज आएंगे 2.0 में भूख बढ़ा दी आपकी, हेलीकॉप्टर आएंगे भूख बढ़ा दी आपकी, ये सब होगा लेके आएंगे हम। ऊपर वाले का एक ही आशीर्वाद है अपने को, जो कहा है वो किया है। जब कंपनी 10,000 करोड़ की होगी तो 100% हमारे पास 1.5-2 करोड़ रुपए कमाने वाले लीडर होंगे, जो हेलीकॉप्टर भी खरीद के लाएंगे और क्या पता जहाज भी खरीद के लाए, और वो ना खरीद के लाए तो क्या पता मैं खरीद के दे दूं। ये भी इस मंच से वादा करता हूं, जिस दिन इस कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ सालाना होगा, एसलीपीएस वेलनेस का खुद का प्राइवेट जेट होगा और एक रैंक के लीडरों को पूरे हिंदुस्तान में मीटिंग के लिए लेके जाएगा। भाई देखो बात है सी, पहले 10 साल का ये दशक था, अगले 10 साल की है चशक। कुछ चशक है मेरे मन में अगले 10 साल के लिए और वो मुझे किसी भी हालत में अपनी चुल शांत करनी करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नंबर एक चशक है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज करना है। भारत के अंदर कोई हमारा प्रोडक्ट ले ना ले, हमारे साथ आए ना आए, लेकिन इज्जत के साथ हमारी इंडस्ट्री, ये चशक है। और इस चशक के लिए कंपनी क्या कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, रिसर्च ओरिएंटेड, साइंस ओरिएंटेड, क्लिनिकल स्टडीज ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रही है। और वो आपने देख लिया चमत्कार पिछले 10 साल में क्या प्रोडक्ट होंगे, रिजल्ट दिए। अब ये चशक कैसे जाएगी, इस चशक के लिए अपने को इतना अच्छा बना लेना है, इतना साफ सुथरा कर लेना है, इतनी सच्चाई ईमानदारी से धंधा करना है कि बेईमान लोगों की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी, मेरी चशक से अपसेट हो जाएगी। आज एक यंगस्टर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, यार इंडिया में हमारी इंडस्ट्री में नहीं आता, वो हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं समझ रहे, हमारी इंडस्ट्री को कैरियर नहीं समझ रहे। चलो अब तो AWPL ने 1.0 में आके काफी कुछ किया, लेकिन यार फिर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। अच्छे खासे लोग पैसे कमा रहे हैं, गाड़ियां बंगले दिखा रहे हैं, पूरे दिन फेसबुक पे लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज तक देख लो हमारी इंडस्ट्री में सामने से किसी का फोन ही नहीं आता, चाहे आप कितनी गाड़ियां डाल ले, कितने बंगले डाल ले, मतलब लोगों को ये बिलीव ही नहीं हुआ अभी भी कि यहाँ भी कैरियर है, ये अपनी चशक है कि आने वाले दिनों में कॉलेज टू कॉलेज जाके चाहे मुझे समझाना पड़े पर बच्चों के दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग डाल के छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए।
वैसे हम डायरेक्ट सेलिंग इस देश को क्या दे सकती है ना। ये मुझे बहुत दिनों से, मतलब मैं भी शहर में रहने लग गया, दिल्ली रहने लग गया, गांव गांव में जाना मेरा बंद हो गया, तो मेरा भी इतना एहसास नहीं था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मुझे किसी ना किसी कारण से गांव की तरफ जाने का मौका मिला, और जब मैं गांव की तरफ गया और मैंने आज भी देखा खपरेल के घर है गांव में, आज भी मैंने आज भी देखा झोपड़े बना रखे मट्टी के घर है। उड़ीसा में मैं गया, बिहार में मैं गया, झारखंड में मैं गया, अभी पूर्वांचल में मैं गया। एक दिन हमारे ये भाई इसराइल भाई आए हुए हैं, अभी एमएलए का चुनाव जीते हैं हथीन से हरियाणा इलेक्शन में, ये भी आज अपने हमारी एनिवर्सरी का हिस्सा बने, भाई के लिए भी ताली बजाओ, गेस्ट है हमारे। इनके यहाँ मैं गया, मेवात जिसे कहते हैं, वहां मैंने गरीबी देखी। मतलब मेरा मैं बड़ा अचंभित सा हुआ। मैंने कहा यार, मतलब डायरेक्ट सेलिंग तो रियली इन लोगों के लिए बनी है। ये लोग तो 20,000 भी कमाने लगे ना इस इंडस्ट्री से तो भी दुआएं देंगे, 25-10-15 हजार कमाने तो भी दुआएं दे, क्योंकि उनके पास उतनी भी आमदनी करने का कोई रास्ता नहीं है। 20-25 हजार, तुम तो लाख करोड़ की बात कर रहे हो, 20-25 हजार ऐसे इंटीरियर के एरिया है हमारे देश में, गांव के ऐसे बच्चे पूरी पूरी जिंदगियां बेचारे बीमार हो जाते हैं तो मर जाते हैं, घर में भूखे रहते हैं, कपड़े नहीं पहन पाते, कोई त्योहार नहीं मना पाते, कोई दिवाली होली सेलिब्रेट नहीं कर पाते, पैसे है ही नहीं। वहां जाके पता चला कि इस देश में अगर सबसे बड़ा रोल कोई इंडस्ट्री इन गांव के अंदर अपना के लोगों को समर्थ बना सकती है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वो बच्चे प्रोडक्ट बेच लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में किसी ना किसी को बता देंगे, प्रोडक्ट समझा देंगे। आया ना, जब पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं यार, ये कितना, मतलब ये काम कितना पवित्र काम है यार, ये इंडस्ट्री कितनी पवित्र है, आप सोच के तो देखो यार। पता नहीं क्यों लोग इस इंडस्ट्री को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में सिर्फ लालच भरा होता है। आप क्या पूरे हिंदुस्तान में हमारे, सोचो तो सही यार, ये क्या इंडस्ट्री है यार, यहाँ हर तरह के आदमी हमारा दोस्त होता है, यहाँ पर कोई जात पात नहीं होती, कोई उम्र का बंधन नहीं होता, कोई जेंडर का बंधन नहीं होता, कोई डिग्री का बंधन नहीं होता, कोई अमीर गरीब का फासला नहीं होता, गरीब हो अमीर हो सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, किसी जात पात का हो, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सब मिलके काम करते हैं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करता, सब भाईचारा रहता है। भाईचारा, इतना भाईचारा दुनिया में हिंदुस्तान की सरकार इतना भाईचारा पैदा नहीं कर पाएगी जितनी डायरेक्ट सेलिंग ने भाईचारा पैदा किया। आया ना, उसके बाद एक गरीब से एक अमीर आदमी जुड़ रहा है, एक गरीब आदमी को अमीर आदमी सिखा रहा है, एक नाकामयाब आदमी को कामयाब आदमी लेके चल रहा है, एक साइकिल वाले को एक लग्जरी कार वाला अपनी गाड़ी में बैठा के उसे उसके सपने बढ़ा रहा है। यार कैसी इंडस्ट्री है, और आप लोग बात करते हो इस इंडस्ट्री में करूं ना करूं, होगा या नहीं होगा, कैसी इंडस्ट्री यार इसका, ये तो देखो इस इंडस्ट्री में मानवता कितनी है, इस इंडस्ट्री में भावुकता कितनी है, इस इंडस्ट्री में समर्पण और अपनापन कितना है। लोग कैसे प्यार करते हैं, गुरुजी 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 बेचारे इतनी मोहब्बत करते हैं, गुरुजी गुरुजी महागुरुजी, कोई गुरुजी महागुरुजी इसे रिस्पेक्ट देते हैं, हजारों लाखों लोग बेचारे, हम नहीं कहते कोई पैर छुए, पैर छूते हैं हम, मना करते हैं मत छू हमारे पैर, हम कुछ नहीं है, हम इंसान है, भगवान कभी नहीं हो सकता, इंसान कभी भगवान, लेकिन फिर भी ऐसा प्यार ऐसा प्रेम ऐसे संबंध। अरे आज दुनिया के होंगे 100 रिश्तेदार और गांव के 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में साला हमारे रिश्तेदार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, आज हमें जानने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, हमें मानने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। यही इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में सेल्फिश मत बनो बस, इस इंडस्ट्री में अपने लिए मत जियो बस, इन इंडस्ट्री में अपनों के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि जब आप अपनों के लिए जीते हो तो परमात्मा आपके लिए जीने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चषक है 2.0, अगले 5 साल का मेरा विजन है। और आप विजन कब देख रहा हूं मैं मालूम है? जब 10 साल पहले 9 नवंबर 2014 को वेलकम होटल द्वारिका में यहां तक का विजन लिया था, यहां तक का कि 1,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, उस विजन में कितने लोग थे मालूम है? 100 लोग आए थे उस प्रोग्राम में, और 100 लोगों में 10 लोग डायरेक्ट सेलिंग जानते थे, 90 लोग जानते नहीं थे। तो वो विजन रियलिटी में कन्वर्ट हो गया पिछले 10 साल में, 10 लोगों के साथ काम शुरू किया तो 1,000 करोड़ में पहुंच गया, अब 2.0 में 30 लाख लोगों के साथ शुरू कर रहा हूं, तो कहां पहुंचेगी कंपनी है, तुम सब आए अंदाजा लगाओ।
दस साल पहले ना कोई लग्जरी कार थी, ना कोई करोड़पति थे, ना अरबपति थे। अब तो करोड़पति अरबपतियों की लाइन लगी हुई है, 400 के करीब तो डायमंड है। 2.0 में हम क्या धमाल करेंगे, क्या कमाल करेंगे, ये हम मुंह से बोल के नहीं बताएंगे, ये करके दिखाएंगे। आप सिर्फ मेहनत करने की ठानो, बहुत बढ़िया बात बताई महिपाल सर ने, आप दिमाग मत लगाओ, उसके लिए हम बैठे हैं। क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट क्या एक्सेप्ट करेगा, मार्केट क्या रिजेक्ट करेगा, मार्केट को क्या चाहिए, उसके लिए मैनेजमेंट बैठा है। आपका काम है एक हाथ में प्रोडक्ट और एक हाथ में प्लान। आपको खाली हाथ नहीं आना 2.0 में, बस 10 में ये खत्म, वो डायरेक्ट सेलिंग खत्म होगी 2.0 में, 10 में 1, 10 में 2 ना भाई। एक हाथ में प्लान है, एक हाथ में प्रोडक्ट है, या प्लान ले ले या प्रोडक्ट ले ले, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, या तो प्रोडक्ट देके जाऊंगा या प्लान देके जाऊंगा। अब किसी के घर से खाली हाथ नहीं आऊंगा, रिजेक्शन जीरो, चाहे साबुन से नहलाना पड़े, चाहे साबुन सुना पड़े, समझे। लेकिन अब खाली हाथ नहीं आएंगे भाई, अब खाली हाथ नहीं आएंगे, या तो प्लान पसंद कर या प्रोडक्ट पसंद कर, और अगर कुछ भी पसंद नहीं तो मुझे पसंद कर। आप पैसे लेके आएंगे, अब कुछ ना कुछ देके आएंगे, ये हमारा 2.0 का विजन है। 10 में 10, ये कैसे होगा, वैसे प्रोडक्ट आपको मिलने वाले, वो सारे प्रोडक्ट जो हर घर में चाहिए और जिसके लिए कोई घर आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, वो सब हम लेके आने वाले हैं। एसलीपीएस वेलनेस, आज तक आपका पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है, हमेशा ट्रुथ के साथ, एथिक्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ समझौता नहीं करती। हाँ, सख्त फैसले लेती थी, लेती है और लेगी। मक्खन लगाना मुझे आता ही नहीं, मक्खन लगा के मैंने धंधा कभी जिंदगी में किया ही नहीं, क्योंकि मक्खन लगाने वाला साला खुद भी फिसलता है और दूसरे को भी तोड़ देता है फिसला के। मक्खनबाजी करने वाले लोग, सपने बोलकर दिखाने वाले लोग, टैंपरिंग करने वाले लोग कभी किसी का भविष्य नहीं बनाते। इस दुनिया में भविष्य वही बनाता है जो मेरी तरह खुद रहा होता है, वो किसी को गिरने नहीं देता, क्योंकि वो असूल वाला होता है और असूल वाला आदमी हमेशा गुस्से का ही होता है, वो मक्खनबाजी नहीं करता, समझे। और मैंने आज तक इस देश में कभी मक्खनबाजी नहीं करी है, ना किसी को मक्खन लगाया है, ना ये कहा है फलाना ढिमका, जो असूल है, जो असूल है, जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है, जो एथिक्स है वो एथिक्स है, जो कंपनी के रूल है वो रूल है, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जो रूल एक बार बन गया उसको कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं तोड़ सकता। और मैं अपने मैनेजमेंट को कहता हूं कि जिस दिन इस कंपनी का कोई रूल मैं तोड़ दूं, सबसे पहला आदमी मैं आऊंगा जो खुद निकल के चला जाऊंगा कंपनी से। कंपनी हमारी माँ है, कंपनी वो सोर्स है जिससे हम सबके घर चल रहे हैं, उस कंपनी के साथ खेलने का अधिकार मुझे भी नहीं है और किसी को नहीं, मुझे भी नहीं है। मैं कोई मालिक नहीं हूँ कंपनी का, कंपनी की मालिक जनता है, जिस जनता का घर चल रहा है। या सिर्फ मेरा घर नहीं चल रहा, महीने के अंदर 1,00,000 चेक जाते हैं, 1,00,000 घर चल रहे हैं, 1,00,000 घर की जिंदगी का सवाल है, भविष्य का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। मैं एक संजीव कुमार की नहीं चलेगी, मैं 1,00,000 लोगों की चलेगी। और इसलिए बोलता हूँ, ये कंपनी तुम्हारी है, तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी, इसलिए कंपनी तुम्हें बनानी है, मुझे नहीं बनानी। और तुम भी एक बात दिमाग में रख लेना, मैं बना भी नहीं पाऊंगा। अगर तुम सोचो कि मैं दुनिया की नंबर वन कंपनी बनाऊंगा, मुझसे नहीं बनेगी भाई, बिल्कुल नहीं बनेगी, समझे। इंडिया की नंबर वन बनाऊंगा, नहीं बनेगी। तुम बनाना चाहोगे, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम ही बनाओगे, तुम ही चमकाओगे, तुम ही गली गली ले जाओगे, तुम ही घर घर ले जाओगे, तुम ही घर घर प्रोडक्ट देके आओगे, तुम ही घर घर लोगों को इस कंपनी से जोड़ के आओगे, इस कंपनी के साथ लेके आओगे। मेरे बस की नहीं है यार, मेरे पास बहुत काम है। तैयार हो, भूख बढ़ाओ। डायमंड बन गए, भूख खत्म हो गई। ब्लू डायमंड बन गए, भूख खत्म हो गई। ये 2.0 तुम्हारे चक्कर में लाना पड़ा है मुझे। अगर करोड़पति से बोर हो गए ये लोग, चलो अरबपति बना देते हैं। 1.0 में करोड़पति बनाने आए थे, 2.0 में अरबपति बनाने आए हैं। तरह तरह के पैतरे फेंकता रहता हूं, भूख बढ़ाओ। कभी दुबई ले जाता हूं, कभी थाईलैंड ले जाता हूं, स्विट्जरलैंड तक घुमा के ले आया इनको, कभी भूख नहीं पड़ती। क्यों?
क्योंकि तुमने वो कमा लिया जो तुमने सोचा नहीं था, तो तुम्हें लगता है बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये दुबई से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। तुम्हें पता है दुबई पूरी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है, एक्सपेंसिव दुनिया की सबसे महंगी कंट्री है। और उस महंगी कंट्री में आके तुम अपनी सालगिरह मना रहे हो, मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें भी दुबई जितना कीमती और महंगा ही बनाना है। तुम्हें भी जी वैगन खरीदवानी है, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, टेम्बोर्गिनी, उरुस पुरुस पुरुस, ये आप तुम में लगानी है। अब इतना ही बचा है, अब भी नहीं मानोगे तो बुर्ज खलीफा से ऊपर से धक्का दे दूंगा तुम्हें। ये देश क्या सिखाता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या सिखाता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। विजन होना चाहिए। ये देश वाकई में देश है, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि इस देश ने वो करके दिखा दिया दुनिया को जो किसी पे नहीं हुआ। चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो बिल्डिंग है, वो इमारतें हो, चाहे समुद्र के अंदर पाम बनाना हो, वो चीजें ये देश कर देता है जहां लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल है। इसलिए इस देश में लेके आया हूं कि यहां से विजन लेके चले जाओ भाई, लेके चले जाओ, लेके चले। कितना मजा आ रहा है दूसरे देश में। भारत माता की, कितना मजा आ रहा है। कई अफ्रीकन लगे हुए हैं सेवा में, कई यूरोपियन सेवा में लगे हुए हैं, कई दुबई वाले, कई अरब, सब सेवा कर रहे हैं। भारत माता के सपूतों की बताओ सेवा में पूरा पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है। और क्या देश रिपेस तुम्हें? चेक तो नहीं देगी बेटा, बिना एसपी भेजे नहीं देगी। तुम चाहे कितनी ताली बजा लो, कितने हल्ला मचा लो, चाहे मुझे भगवान कह लो, चाहे शैतान कह लो, चाहे राक्षस कह लो, चाहे देवता कह लो, चेक तभी दूंगा जब तुम एसपी भेजोगे। चेक तो नहीं मिलेगा, अचीवमेंट तो नहीं मिलेगी। तो तैयार हो? तैयार हो? भूख बढ़ाने को तैयार हो? तैयार हो? अरे डायमंड रैंक में कैपिंग क्यों नहीं लगती? लगाओ। ब्लू डायमंड में क्यों नहीं लगती? लगाओ। छोड़ दो घर, भागो, मत सो, मत खाओ, थको जितना थक सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे साला इंसान मेहनत से कभी नहीं मरता, मेहनत से इंसान चमकता है, मरता नहीं। इंसान तो डिप्रेशन से मरता है जब घर में पैसे नहीं होते, तकलीफें होती है, दिक्कतें होती है, जब अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा पाता, अपना घर नहीं बना पाता, बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, उस डिप्रेशन से इंसान मरता है। मेहनत से तो इंसान चमकता था, चमकता है और चमकता रहेगा। ऐसा जीवन जी के जाओ। आराम करूंगा सर, मैं तो आराम करूंगा। बड़ा साले तू महल में आराम कर रहा है। अरे सर क्यों पैसे? मुझे दो टाइम की रोटी खानी है। अच्छा, रोटी से मैंने तो जीते हुए कोई नहीं देखा। कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, घर भी बनाना पड़ता है, छत भी चाहिए, पंखा भी चाहिए। आया ना, ये फालतू की बात है। निकम्मे आदमी का निकम्मापन छुपाने के बहाने हैं। जो इस दुनिया में कर्मठ लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जो जिंदगी में कुछ करने आए, उनके पास कोई बहाना नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता। उनका खुद से सवाल होता है, खुद से जवाब होता है। वो कहते हैं मेरी कमी है, मुझे और करना है, और करना है। ब्लेम गेम नहीं करते, किसी दूसरे पे कभी अपनी नहीं थोपते, ना कामयाबी थोपते, ना नाकामयाबी। कामयाबी का क्रेडिट दे सकते हैं, पर नाकामयाबी किसी पे नहीं थोपते। कामयाब आदमी दुनिया में वो हुआ है जिसने सिर्फ एक आदमी से बात करी है, एक आदमी को ब्लेम किया है, शीशा देखता है और खुद से बात करता है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। और शीशा आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तैयार है? तैयार है? यहां से जाने के बाद तैयार है? ऊर्जा में ठंडे हो गए? गर्मी शरीर में है? तुम पे ताली तो बजनी थी, पूरा फंक्शन निकल गया। अरे ऐसे बजाते हैं क्या ताली? हाथ लाल हो जाने की। अरे
करंट तो है नहीं, कैसे कमाऊंगा, बिना करंट के कुछ नहीं आता यहाँ। पैसे जब कमते जब करंट होना चाहिए, करोड़ों की बात हो रही है, अरबों की बात हो रही है, आज तो रात को खाना भी नहीं खाना, बिना खाए सो जाना है, सुबह का इंतजार करना है कि कब सुबह हो और कब मैं दुनिया में फट्टे चकने निकल जाऊं। ऐसे लोग इतने हैं। तो दोस्तों, बाकी विजय रथ अभी सभी शहरों में ऊपर वाले के रहमो करम से आशीर्वाद से आ रहा है, और विजय रथ में आपने जलवे दिखाए, जो भीड़ लेके आए हो आप लोग, जो जनता वहां आ रही है, जो देखते ही बनता है, हमारा रथ चला है, दुनिया के रथ के पहिए टूट चुके हैं समझे, और ये रथ अभी वाराणसी आ रहा है अभी 17 तारीख को, उसके बाद मुझे लगता है पटना भी है, सारे अभी 8-9 जगह कवर करेगा, बढ़ चढ़ के लोगों को लेके आना, विजन मिलेगा, समझ मिलेगी, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और जो जितनी सेना आप लेके आएगा विजय रथ में, वो मैं कहता हूँ उतना ही धंधा बनाएगा आने वाले समय में। तैयार है, तैयार है। बाकी इतना प्यार इतना सम्मान आप देते हो, उसके लिए मैं कितना आभार प्रकट करूं, ज्यादा भी नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन रियली यार यू बहुत प्यार करते हो आप लोग, कंपनी से भी, सिस्टम से भी, अपने अपलाइनों से भी, और मैं आखिरी में जो ये मेरी प्यारी सी कोर टीम है कंपनी की, टॉप लीडरशिप जो कुछ किया इन लोगों ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इन सबको मैं सल्यूट करता हूँ यार, महिपाल सर, शिव कुमार सर, रामवीर सर, अमित दुबे, नसीब खान, कुणाल, या जितने भी एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, डायमंड ब्लू डायमंड, आपने रियली इस कंपनी को दिल में बसा रखा है, आत्मा में बसा रखा है, इसलिए ये कंपनी दुनिया पे राज कर रही है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, और आप सब इतनी मोहब्बत देते हो, इतना प्यार देते हो, मैं उसके बदले में कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ प्रोडक्ट दे सकता और टाइम से पैसे दे सकता हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं दे सकता, और नई नई ट्रेनिंग और एजुकेशन दे सकता हूँ जो मैं हमेशा देता आया हूँ, लेना आपको है, भूख बढ़ाओ, भूख क्या भूख, क्यों चलाएगा अकेला महिपाल 2-सीटर, हम भी चलाएंगे 2-सीटर, क्यों शिव कुमार अकेला हेलीकॉप्टर लेके आएगा, हम भी लेके आएंगे, अरे दूसरे को देख के मजा नहीं आता, मुझे तो आता नहीं साहब, मुझे तो नहीं आता, अपने जो मैंने बनाए नीचे उनको देख के मजा आता है, अपने से ऊपर तो मैं किसी को देखता हूँ मुझे तो बिल्कुल कंपटीशन आता है, मैं तो किसी दूसरे का जहाज देखता हूँ ना, आपको मालूम नहीं मैंने जिंदगी में आज तक किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो नहीं खिंचवाया, मुझे एयरपोर्ट में कोई कितना बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए मैं नहीं फोटो खिंचवाता, मैंने कहा साला तू होगा सेलिब्रिटी अपन, ना किसी के जहाज में बैठा आज तक प्राइवेट जेट में, बहुत दोस्त है मेरे जिनके खुद के प्राइवेट जेट है, मजाक नहीं कर रहा, कहते संजीव ले जाकर गोवा हुआ जाता है तो ले जाकर हमारा जेट, अभी दुबई भी भेज रहा था एक मेरा दोस्त, जेट में चला जा ना बेटा, बैठूंगा अपने में बैठूंगा, साले तेरे में नहीं बैठूंगा, सीधी सीधी बात है, कॉम्पिटिशन भूख बढ़ाओ यार, अपने अपलाइन जैसे तो बनो, इतने बड़े बड़े इन लोगों ने माइल स्टोन डेवलप कर दिए, महिपाल सर 2-सीटर कार ले आए थे उसी दिन, वो डेवलप कर दिया, किसी ने 2-सीटर नहीं ली, कल अनुज कह रहा था, अनुज का है अनुज कह रहा था कि मैं लूंगा, और कौन कौन लेगा 2-सीटर, चलो हाथ खड़े करो मैं देखूं किसमें था मैं, कौन कौन लेगा 2-सीटर, जोर से कौन कौन लेगा 2-सीटर, हां ना 2-सीटर भाई साहब घुमाओगे ना, जो कुंवर है ना बेटा उसकी तो सीधा सिस्टम सेट हो जाएगा, 2-सीटर घुमाओगे लड़कियों की लाइन लग जाएगी, जो शादीशुदा नहीं है हमारे पीछे नहीं लगेगी, हमारा खेल खत्म हो चुका, समझे नहीं समझे, अरे लाइफ जियो यार, लिव योर लाइफ, एक जीवन एक बार मिलता है यार, मरने के बाद साले कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, घोड़े बनेंगे, पता नहीं, भगवान ने इस बार इंसान बनाया, इंसान जैसी जिंदगी तो जी के चले जाए दुनिया से कम से कम, आए ना, आर यू रेडी, तैयार है, उदयपुर की क्लोजिंग है, कब है, बम्पर होनी चाहिए, बम्पर बम्प हट जाना चाहिए, बम्प समझे, जिस जैसे दिवाली दिवाली बोनस तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है 500 रुपए मेरे है, मेरे को लूटने में तुम्हें कितना आनंद आता है, ये मैंने दिवाली बोनस में देखा भाई साहब, हमने 500 रुपए दे दिए लोगों की, जिसका चेक बनेगा उसे 500 रुपए, मात्र 500 रुपए, जबकि हम इनको देते हैं करोड़ों रुपए, ये लेवल पे इतना पैसा, ये लेवल पे इतना पैसा, और मैंने दिवाली पे 500 रुपए दूंगा बस, मात्र 500 रुपए, उदयपुर का ट्रिप 10,000 का है, वो नहीं करेंगे, दुबई का जो ट्रिप है विद फैमिली 2.5 लाख का है, वो नहीं करेंगे, स्विट्जरलैंड का ट्रिप 8 लाख का, वो नहीं करेंगे, मैंने कहा पर चेक 500 रुपए दूंगा, आप भाई साहब तुमने क्लोजिंग करी, साइट हैंग, सॉफ्टवेयर हैंग, टूट के पड़े 500 रुपए के लिए, वो तो पक्के हिंदुस्तानी तुम,
मतलब क्लोजिंग का बाप कर दिया, क्लोजिंग अभी तक कंपनी जब से शुरू हुई है सबसे बड़ी क्लोजिंग कर दी सिर्फ 500 रुपए के लिए। उदयपुर में भी कर दो इतनी बड़ी क्लोजिंग, लग्जरी ट्रिप रहेगा राइट। तो बहुत मजा आया दोस्तों, 3 दिन हो गए एंजॉय करते हुए। पहले दिन बुर्ज खलीफा के साथ एनिवर्सरी मनाई क्राउन डायमंडो के साथ, कल डायमंडो के साथ एनिवर्सरी मनाई, और आज आप सबके साथ ये सौभाग्य मिला और आप लोग आए। आपको बहुत बहुत प्यार, और भगवान भोलेनाथ महाकाल अल्लाह खुदा गोड वाहेगुरु जो जिसको मानता है आपको सद्बुद्धि दे। बस एक ही बात कह रहा हूँ, जो सोचना सच्चे मन से सोचना, सच्चे मन और सच्ची आत्मा से सोचा गया कोई भी सपना अधूरा नहीं होता, 100% पूरा होता है। और उन सपनों के साथ आज 2.0 लेके हम निकल पड़े हैं, और अब ये कारवां अब तक चाहे सुपर फास्ट तब रॉकेट बना के दिखाएंगे, अगले 5 साल में 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे 5 साल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भूख बढ़ाओ, खाने भी खाओ बढ़िया से, और उसके बाद थोड़ा चेक की भूख भी।